मार्च का महीना और कोरोना वायरस की दस्तक के साथ देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसके चलते देश के तमाम धार्मिक स्थलों समेत पूरा देश बंद कर दिया गया था। धार्मिक स्थलों के बंद हो जाने से भक्तों में भगवान के दर्शन करने की ललक और भी ज्यादा बढ़ गई, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 8 जून को धार्मिक स्थल खोलने का फैसला किया गया। लेकिन अब मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि इन दो महीनों में और कोरोना वायरस ने देश में बहुत कुछ बदल दिया है। आपको दिखाते हैं हापुड़ के प्राचीन शिव मंदिर का एक दृश्य। हापुड़ में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जनपद के प्राचीन शिव मंदिर को आज नियमों के अनुसार खोल दिया गया। प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर आने पर प्रवेश दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। बता दें कि जिला तहसील से 3 किलोमीटर दूर बसे सबली गांव में भगवान शिव का एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसमें श्रद्धालुओं की काफी आस्था है। कोरोना वायरस महामारी से हुए लॉकडाउन के 2.5 महीने बाद आज केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्राचीन शिव मंदिर को खोल दिया गया है, तो श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई और श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में पहुंचने लगे और मास्क लगाकर पूजा पाठ कर सच्ची श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना करने लगे। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर ही भक्तों को मंदिर में प्रवेश मिलेगा। मैं यहाँ पे सबली मंदिर में हापुड़ में हूँ जी, और इस समय हमारे वहाँ जो भक्त लोग आ रहे हैं वो सब कृपया ऐसा पालन कर रहे हैं नियमों का, विशेष रूप से जो सरकार ने धर्म स्थल खोलने का वो करा है, इससे विशेष सरकार का आभार है। और अच्छा लग रहा है कि भाई इतने दिन बाद दर्शन हो रहे हैं भगवान के, ठीक है। और नियमों का ऐसे पालन हो रहा है, जैसे कोई आया बस मत्था टेका और अपने घर को चल दिया तुरंत के तुरंत। और इधर आप देख सकते हैं भैया ने मास्क लगा रखा, हमने भी लगा रखा है, सारे लोग ऐसे दूर दूर ही हैं। तो वहीं मंदिर खुल जाने के बाद भक्तों के चेहरे भी खिल उठे। लगभग 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद सच्ची भक्ति से दर्शन किए। हम मंदिर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर बहुत बहुत ही अच्छे से डिस्टेंसिंग हो रही है और मास्क लगा के आए हैं हम सब यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये सबली मंदिर खोल दिया गया है, प्राचीन सबली मंदिर खोल दिया गया है सरकार का, इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और मास्क मुंह पर लगाए हुए हैं, श्रद्धालु आने चालू हो गए हैं, सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद। आज जैसे मंदिर खुला है, नियम से पालन कराया जा रहा, जल चढ़वाया जा रहा, जैसे कायदे कानून के अनुसार ऐसे व्यवस्था करी जा रही है। तो क्या कहना चाहते हैं मंदिर खुले हैं? बड़ी खुशी की बात है, अब पालन होता रहना चाहिए, मंदिर खुलते रहने चाहिए, काम चलते रहने चाहिए सबके। हालांकि केंद्र सरकार के आदेशों के बाद धार्मिक स्थल खोल तो दिए गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। पंजाब केसरी लगातार अपील कर रहा है कि मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही घर से बाहर निकलें, समय समय पर हाथों को धोते रहें, छोटी छोटी सावधानियों से ही कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से नदीम की रिपोर्ट।